हिंदुस्तान का नाम सुनते हैं, ऑनेस्टली बताना, मैं ऑनेस्टली बात कर रहा हूँ, जब भी आप हिंदुस्तान का नाम सुनते हैं तो कैसा लगता है? ऐसे ही लगता है कि वो एक दुश्मनी की फीलिंग आती है, मैं सही बात कर रहा हूँ। नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, असल में ये सारा हुकूमतों का काम है, बाकी लोग एक जैसे हैं तकरीबन, ऐसे ही। अब ये इमरान खान ने एक स्टेप आगे बढ़ाया, लेकिन अब मोदी साहब को भी चाहिए। अच्छा ये बताओ, अगर मैं आपको ना अपने हिंदुस्तान लेके जाऊँ तो चलोगे आप? जरूर चलेंगे, जरूर। नमस्कार जी, राम राम। तो आपको पता है भाई, पाकिस्तान के अंदर बिना वीजा के 7 किलोमीटर तक जाया जा सकता है। जी हाँ, गुरुद्वारे में वहाँ पर दर्शन के लिए आप लोग कोई भी जा सकते हैं वहाँ पर, ठीक है। तो वहाँ पर हमारे इंडियन यूट्यूबर पहुँचते हैं और पाकिस्तानियों का रिव्यू लेते हैं कि भाई इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं। देखो उंगली है भाई 5, छोटी बड़ी हैं सभी की सभी, तो इंसान भी सभी की सभी भाई, सबकी सोच अलग अलग होती है, सभी बुरे नहीं होते। मेरे को अच्छी लगी तो मैं इसका रिएक्शन दे रहा हूँ, आप लोगों को कैसी लगी वीडियो वो बताए, वीडियो शुरू करते हैं। दीदी प्लीज कम, आप भी आ जाइए। हाँ, क्योंकि हम बहुत दिनों के बाद आते हैं। हाँ, आप आ जाओ, बैठ जाओ भैया, आप भी बैठो। अदिति आप भी आ जाओ, सिस्टर आपको डर लग रहा है? अदिति आप यहाँ बैठ जाइए, आ जाओ। हाँ सिस्टर आप भी बैठ जाओ, सिस्टर मतलब दीदी बोल सकते हैं ना? हाँ मतलब हमारे बहन होता है ना हमारा मतलब। अच्छा अच्छा, देखो भाई ना सर, आप थोड़ा पीछे चले जाओ, आज मैं पूरा रिपोर्टर बन जाऊंगा। अरे देखो, मैं भी पाकिस्तान के अंदर आया और मतलब यात्रियों से हम मिले हैं, सब इतने अच्छे तरीके से मिल रहे हैं, लगता ही नहीं कि ये इंडिया से आए हैं, सब अपने भाइयों की तरह, इतनी फैमिलीज इतने प्यार से मिलती है, तो ये नहीं पता चलता कि ये न्यूज़ भी कैसे मतलब होती है कि जी इतनी टेंशन चल रही है बॉर्डर पर, ये है कश्मीर में, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो देखने से और बातें करने से तो ऐसा फील नहीं होता ना। दीदी आप क्या लगता है, जब आप हिंदुस्तान का नाम सुनती हैं तो आपको कैसा लगता है? बस ये लगता है कि पड़ोसी मुल्क है और थोड़ा सा मतलब दुश्मनी सी आ जाती है, मतलब गुस्सा वुस्सा सा आ जाता है, ऐसी तो कोई है ना जो बॉर्डर्स के ऊपर टेंशन बना रहता है, तो उससे नहीं, जैसा हम सुनते हैं अभी तो हम बच्चे ना, जैसे हमारी माताजी है, मेरी मम्मी समान है, तो हम जैसा सुनते रहते हैं देखते रहते हैं वैसा हमारा सोच बन जाता है। भाई हम तो, मैं तो पहली बार जिंदगी में पहली बार पाकिस्तान में, आप जब हिंदुस्तानी से देखने में कुछ हो रहा है, मिलने में अलहदा। अच्छा अलग है, थोड़ा डिफरेंट है। देखो मतलब इनका मिलने में मतलब अच्छे हैं, अच्छे हैं, अच्छे हैं। अगर इंडिया भी कोई ऐसा यानी कि प्रोजेक्ट हमारे सामने दे, हम भी वहाँ जाके कुछ देखें, तो फिर हमारी सोच जो कुछ थोड़ा सा डर वगैरह वो भी खत्म हो जाएगा। देखिए ना, जैसे हमने अप्रोच दी है आप लोगों को, इस तरह आप लोगों को भी तो इस तरह की अप्रोच देनी चाहिए ना। राइट राइट, हमारी ये मतलब ये इख्तलाफात है तो हम इसको दूर कर सके, एक दूसरे को सोच सके, समझ सके, देख सके, यानी देखने से तो हमें बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं हुआ। अब बिल्कुल आप पाकिस्तानियों की तरह मुझे मतलब लग रहे हो। देखो ना सर, जब आप हिंदुस्तान के बारे में सुनते हैं आपको कैसा लगता है? यही कहूँगा कि इसके बारे में सिर्फ हमारे अंदर ना एक लाइन का फर्क है, उसके अलावा कुछ नहीं है। देखो हम साथ साथ करें पाकिस्तान और इंडिया, देखो चीज ऐसे ही है ना, इसमें कोई फर्क नहीं है, ये दोस्त है भाई है, सारा कुछ अपना है। बस ये हमारे लोगों का माइंड बस चेंज होना चाहिए कि कुछ लोगों में कोई ये तब्दीली होनी चाहिए कि खून का रिश्ता है हमारा, मतलब ये कह सकते हैं आप एकदम एकदम, क्योंकि अगर ये चीज़ खत्म होगी ना हमारे अंदर, हम पाकिस्तान के लिए, आप पाकिस्तान आएंगे हम इंडिया जाएंगे। राइट, ऐसे ही आप लोगों को भी चाहिए कि हमारे साथ, इसीलिए मैंने इनको सबको निमंत्रण दिया है कि आप अपने मम्मी पापा अब्बा भाभी जो भी बोलते हैं उनको आप लेके आओ और हम आपके घर में आ गए, तो हमारे दिल में भी तो आशा होगी ना, आगरा देखे आपका भी ताजमहल देखे। अच्छा ये बताओ, इंडिया की ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको अच्छी लगती है, क्योंकि आप पढ़े लिखे हैं तो कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो या ना स्पोर्ट्स हो सकता है या फिर कोई प्लेयर हो सकता है या फिर कुछ और भी चीज़ जो अच्छी लगती है आपको? उनमें ये है कि बच्चों में जो है ना वो उन्हें बच्चों को ऐसे ट्रेन किया जाता है कि वो आगे जाके मतलब प्रोफेशनल हो जाता है, सबसे मस्त बात है। अच्छा मतलब एजुकेशन के लिए इनको बहुत बेस्ट लगती है। थैंक यू भैया जी, नाम क्या आपका? सुमान। सुमान जी कैसे हैं आप? ठीक ठाक भाई। देख मतलब ना जाड़े वाड़े के लिए एकदम बेस्ट चीज लेके आए ये। अच्छा सर मैं आपसे वही रिपीट करूंगा, असर आप भी इधर आ जाइए। देखिए अब मेरे पास यहाँ से दो है ना, ऐसे मतलब बहुत सारे लोग हैं, मैं जब यहाँ आया था तो मैं यही सोच रहा था कि मैं मतलब कैसे बातचीत करूंगा, वो बात करेंगे नहीं करेंगे, मैं मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस थे दिमाग में है ना, वो मतलब ट्रीट कैसे करेंगे ना, ऐसा तो नहीं कि भाई तू हिंदुस्तान का तू चला जा, ऐसा नहीं यार, सही बता रहा हूँ ना, मतलब बहुत रेस्पेक्ट दिया ना। एक जगह तो मतलब मैं उधर बैठा हुआ तो उन्होंने पानी अपना बोतल से मुझे पिलाया, सच में ये पानी मतलब कोई बड़ी नहीं है लेकिन ये रेस्पेक्ट बहुत बड़ी चीज़ होती है। सर हिंदुस्तान के बारे में आपके दिमाग में कैसी छवि बनी हुई है? वो ठीक है हिंदुस्तान भाई, ये थोड़ा सा फर्क है, ये थोड़ा जोर से बोलो, डरना नहीं है, नहीं डरना क्यों, कुछ गंदा काम नहीं कर रहे हैं, नहीं भाई आप डरना क्यों है, हिंदुस्तान का ये जो लाइन है बस इसका ही फर्क है, बस इसका और कुछ नहीं, और प्यार वैसे ही है बस। भैया जी जब आप मुझसे मिले, मैं एक हिंदुस्तानी हूँ, जब आप मुझसे मिलने के बाद क्या आप थोड़ा सा आपका सोचना थोड़ा सा बदल गया है? मुझसे पहले आप कुछ और सोचते थे, अब थोड़ा परिवर्तन आया आपकी सोच में? जी ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है कि वैसे किसी के जहन में किसी तरह के भी ख्याल आ सकते हैं, लेकिन जब आप किसी से बातचीत करते हैं तो फिर ही मामला हल होते हैं, ठीक है, तो बेहतर यह है कि मामला को बातचीत के ज़रिए से ही हल किया जाए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, ठीक है, और आपस में अच्छे तरीके से बात की जाए। हिंदुस्तान की कौन सी चीज़ हो कि आपको अच्छी लगती है?
हिंदुस्तान में जो ख़ास तौर पे क्रिकेट के प्लेयर्स हैं वो बड़े बेस्ट हैं, बहुत फेमस हैं। पूरी विराट कोहली है, ठीक है, इसके अलावा युवराज सिंह, एमएस धोनी, ठीक है, बहुत अच्छे प्लेयर हैं ये। ठीक है बेटा, क्या नाम है आपका? नवाज। सर आपका नाम क्या है? अफसर बेग। अब बेटा इधर आ जाओ भाई, अभी हम जाने वाले हैं हिंदुस्तान, या फिर तुम नहीं मिलोगे। क्या नाम बेटा? दिलभूष। अरे बेटा नाम बताओ। बताओ। हारून नाम है। अरे भाई तगड़ा वाला नाम है तेरा यार। इंसान का नाम हम सुनते हैं तो सच कोई गलत बात नहीं आती। सदियों से तो लोग पहले इकट्ठे रहते रहे, सबके रस्म रवाज एक जैसा, रहना बहना एक जैसा, ये एक माइंड सेट चेंज होता है। आपके लोग बहुत अच्छे, जब आप हमसे मिलते हैं वो सारे लोग मिलते हैं बहुत अच्छे, उठना बैठना मिलना जुलना सब अच्छा। आप क्यों के स्टूडेंट हैं? जी कुछ भी नहीं, सारे मुल्क एक जैसे है। अच्छा, पाकिस्तान भी अच्छा है, इंडिया भी अच्छा है, लेकिन न्यूज़ में जो दिखाते हैं वो अलग दिखाते हैं, लेकिन हमारे दिल में ऐसा नहीं है। लेकिन बहुत कैसा लगा तुझे मेरे? सही से इधर आ जाओ, इधर आ जा। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा जी। सही बता, अब अपनी मतलब मेरे को नहीं बोलेगा कि भाई देखो ऐसा करो, अब मैं आप सबको निमंत्रण देता हूँ, मतलब आप ना हमारे हिंदुस्तान चलोगे? जी मैं आपको बैग में रख के ले चलूँ तो? नहीं नहीं सब आप नहीं। अच्छा आप लोग अब हिंदुस्तान आएंगे? जी हाँ आना चाहिए ना, मतलब जब देखो जैसे यहाँ पर वीजा पॉलिसी बहुत इजी होगी, आप आराम से एंटर हो सकते हो। वीजा पॉलिसी जो है ना वो बिल्कुल सॉफ्ट होनी चाहिए, नरम होनी चाहिए, आने जाने में कोई इशू ही ना बने। मैं आती है, तो नहीं है। आप हिंदुस्तानी है, आपको यहाँ आने के बाद आपको कैसा लगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप ये पहली बार आए? पहली बार आए, पहली बार आए। दादी माँ आप भी पहली बार आए, तो आप यहाँ आने के बाद, इससे पहले आपकी और हमारी सोच जैसी आपकी थी वही मेरी थी, लेकिन यहाँ आने के बाद कुछ आपको अंतर लगा कि मतलब थोड़ा सा यू नो ये पाकिस्तान के जो लोग हैं वो कितने अच्छे हैं? अच्छे, मुझे बहुत अच्छे लगे, कोऑपरेट करते हैं। आपका हमें भी बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके, फिर ज्यादा चंगा लगेगा भाई। देखो ना ऐसा नहीं है, ये तो बच्चे थे, मैं बच्चों से बहुत पसंद करता हूँ। आप लोगों का दिल अच्छा है, हम लोगों का दिल अच्छा है, यहाँ पर देखें कितने लोग हैं, कोई आदमी नहीं है किसी के साथ कोई बदतमीजी कर रहा है। हम लोग आप लोगों को वेलकम करते हैं, आप लोग आते हैं तो नहीं करते। आप जब क्यों, आप यहाँ बहुत सारे इंडियन पर्सन से मिले होंगे, यू नो मिलने के बाद आपकी जो जो यू नो थिंकिंग है वो थोड़ा बदला, सोच में थोड़ा बदलाव आया, कुछ कुछ हुआ? जो आपके लोग हैं वो काफी बहुत बहुत जबरदस्त लोग हैं आपके जो लोगों के। नहीं हम लोग जरूर जाएंगे, क्योंकि हमें तो वैसे बड़ा शौक है इंडिया जाने का, वहाँ के लोगों से मिलने का, बात करने का, हर चीज का। आप एक हिंदुस्तानी से बात कर रहे हैं और मैं एक पाकिस्तानी से बात, मुझसे मिलने के बाद आपकी थोड़ी बहुत थिंकिंग चेंज हुआ, बदला? बिल्कुल ऐसे ही, ऐसे हम लोग अपने लोगों से बात करते हैं, क्योंकि लोग तो दोनों तरफ एक जैसे हैं, ठीक है, लोगों के दरमियान कुछ नहीं है। अगर कुछ डिप्लोमेटिक चीज़ें चल रही हैं वो सारी मतलब ऊपर वाले लेवल पर चल रही हैं, गवर्नमेंट लेवल पर या मीडिया दिखा रहा है, बाकी लोग एक जैसे हैं, फ्रेंडली है। सर व्हाट डू यू थिंक अबाउट इंडिया? सर देखें जो तो हमें बेसिकली देखिए जो हमें बेसिकली पता ना इंडिया के बारे में, देखें हम कभी फेसबुक पे मिले तो नहीं, किसी इंडियन से नहीं मिले, कभी नहीं मिले, लेकिन तो हमें तो यही पता चलेगा ना बेसिकली कि जो सुनेंगे हम तो भाई जो देखिए पाकिस्तानी ने भाई असली रियलिटी बोल दिया यार कुछ। भाई रिलीजियन प्लेस था, यानी कि धार्मिक जगह थी, गुरुद्वारा है पाकिस्तान के अंदर जो कॉरिडोर बना था, तो वहां पर एक तो भाई सभी के यानी कि जो सतगुरु महाराज हैं उनके आशीर्वाद से, जिसके दिमाग में भाई गोबर भूस भरा होता है सभी का, सभी वहां पर साफ हो जाता है। और दूसरी बात भाई पाकिस्तानियों ने भी बोल दी है, देखो ये बात है, अगर देखो आप स्कूल जा रहे हैं, अच्छी सोसाइटी में रह रहे हैं, गौर फरमाइएगा, अच्छी सोसाइटी में रह रहे हैं तो आपके जो विचार होंगे, आपके काम दिनचर्या होगी, भाई वही बोलते हैं ना जैसा देश वैसा भेष। तो पाकिस्तान के अंदर भाई जो दहशतगर्दी वगैरह करते रहते हैं, सभी तो नहीं है, तो वैसा ही वो सीख रहे हैं, मदरसों में जाते हैं। इंडिया की भी बात करूंगा, यहां पर भी भाई बच्चों को देश का इतिहास और उसके बारे में बताया जाता। पीछे एक इंटरव्यू आप लोगों को मैंने दिखा था, उसमें भाई साहब प्रधानमंत्री का भी नाम नहीं पता है, तो उसमें क्या पढ़ा रहे हैं। यूपी में भी भाई अच्छा योगी जी ने चलाया हुआ है कि वहां पर मान्यता मदरसों को ही चलाया जाएगा, और क्या पढ़ाया जा रहा है वो भी सर्वे किया जा रहा है। तो यहाँ पर पाकिस्तानियों की क्या राय थी, आपको कैसी लगी, कमेंट करें। जय हिंद जय भारत।